एमपीटी एक्ट तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब एकांत में इसके बारे में बात की जाए तो हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस एक्ट को लाया गया। वैसे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी और महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए किन किन परिस्थितियों में सेफ एबॉर्शन की स्थिति में इसे लागू किया जाए। क्या इसका उद्देश्य ह्यूमैनिटेरियन से जुड़ा है या जन्म लेने वाले बच्चे से या मां के स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का पहला प्रोविजन 1816 में लाया गया, यह समझकर कि इसे महिलाओं पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगेगा और साथ ही मां की स्वास्थ्य की जरूरत को लोग समझकर लोग महिलाओं के अधिकार को समझेंगे। यह एक्ट एबॉर्शन को लीगल और इलीगल की श्रेणी से बाहर लाने का एक पहला कदम था। भारत की संसद ने 1971 में एमटीपी एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पास किया, जो कि इलीगल एबॉर्शन को कम करेगा और जिसे परिणाम स्वरूप माँ और बच्चे की स्वास्थ्य सुधरेगी और मृत्यु दर कम होगी। 1 अप्रैल 1971 को यह प्रभाव में आया और आने के बाद इसमें कई सुधार हुए। अतः कुछ सुधारों के साथ इसे भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2003 में इसे पूरे देश में पुनः प्रभावित किया गया। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है, पहला मैटरनल हेल्थ को सुधार करना और अनसेफ एबॉर्शन को रोकना। मैटरनल हेल्थ का संबंध यहाँ पर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से है। दूसरा, एबॉर्शन सर्विस को कानूनी मान्यता देना। तीसरा, सेफ एबॉर्शन को प्रमोट करना। आइए अब जानते हैं कि किन किन कंडीशन में एमपीटी एक्ट के तहत सेफ एबॉर्शन की अनुमति प्रदान की जाती है। पहला है ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्ट यानी कि मानवतावादी धारणा को देखते हुए। अगर सेक्स क्राइम जैसे कि रेप के कारण कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्ट के तहत एमपीटी एक्ट सेफ एबॉर्शन की अनुमति पीड़ित महिला को प्रदान करता है। इसके अलावा अगर कोई ल्यूमेटिक वूमेन है अर्थात उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वैसी स्थिति में एमपीटी एक्ट सेफ एबॉर्शन की अनुमति देता है। दूसरा है हेल्थ एक्सेप्ट यानी कि स्वास्थ्य को देखते हुए। महिला की अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ की रिस्क ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि भविष्य में बच्चे का पालन पोषण महिला के द्वारा सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में एमपीटी एक्ट सेफ एबॉर्शन की अनुमति प्रदान करता है। और तीसरा है यूजेनिक एक्सेप्ट कि अगर शुरुआत में यह पता चल जाए कि बच्चे को कोई सीरियस बीमारी या सीरियस डिफेक्ट हो सकती है जिससे वह आने वाले जीवन में ठीक से अपना जीवन नहीं जी पाएगा और उसे कई तरह की समस्या उत्पन्न होंगी, तो इस एक्ट के तहत महिला सेफ एबॉर्शन की अनुमति मिलती है एमपीटी एक्ट के द्वारा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, इसके दूसरे पार्ट जल्दी ही मैं लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।